हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस टू मिनट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है आज हम इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रोटेक्टिंग हिमालयन इको उसके बारे में बात करेंगे अब जो हमारा हिमालयन इको है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न उसका ये कहा जाता है कि इट कम्प्राइजेज ऑफ द क्रायोसफेयर ठीक है हिंदू कुछ माउंटेन्स है जिनको थर्ड पोल भी कहा जाता है सो द्राइसफेयर कंप्राइजेस ऑफ द स्नो द रवर द सी आइस द ग्लेशियर्स द आइस शेल्व एट्सेट्रा और ये क्या करते हैं ये बेसिकली नॉट ओनली दैट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम लेकिन ये बेसिकली जो फ्रेश uh, वाटर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है है ना तो क्रायोस्फेयर को प्रिजर्व करना हिमालयन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ठीक है सो ये है कि क्राइस्फेयर इट कम्प्राइस ऑफ द स्नो रिवर आइस एटसेट्रा एंड दे प्ले अ मेजर रोल इन द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन द सर्फेस एनर्जी बजट ठीक है द वॉटर साइकिल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब ये जो टर्म्स हैं ये आपको डिटेल में अगर आपको नहीं पता है सो हैव अ लुक इन डिटेल राइट सो ये है अब क्रायोस्फेयर इज एन इंटीग्रेटर ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड इट प्रोवाइड्स वन ऑफ द मोस्ट विजिबल सिग्नेचर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ये आई पी सी सी की फिफ्थ रिपोर्ट में आया था तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं कि क्रायोस्वेयर क्या है और क्यों हम इसको मानते हैं विजिबल सिग्नेचर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज राइट right? अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि जून 2008 में लॉन्च हुआ था जिसमें आठ मिशंस हैं उनमें से एक मिशन है जो हमारा रिलेट करता है टू द हिमालयन इकोसिस्टम्स दैट इज़ द सस्टेनिंग ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम्स सो वी हैव नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इको ये आठ मिशन में से एक है इसमें बेसिकली बात की जाती है कि कैसे कॉन्जर्वेशन करनी है और कैसे सस्टेन करना है हिमालयन इको को अब ये कैसे हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मॉनिटरिंग नेटवर्क या फिर रीजनल कोऑपरेशन से कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ठीक है इन सब चीज़ों से बेसिकली हम आ, एम कर रहे हैं कि हम कंजर्व करें हिमालयन इकोसिस्टम को और इनका एक इनिशिएटिव है सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी एट वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी डेहराडून इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है उसके बाद ये तो हो गया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर एक अलग से मिशन है विच इज़ ऑन हिमालयन स्टडीज़ अब ये हिमालयन स्टडीज़ पे मिशन है तो इसका जो जो इसका मेजर जो इसमें चीज़ आएगी वो ये होगी कि कैसे हम रिसर्च को प्रोमोट करें हिमालयन इश्यूज पे और इवेंचुअली हेल्प करें हिमालयन इको को और अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है तो कैसे वो सस्टेनेबल हो ठीक है सो so, ये अलग मिशन है ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर नहीं आता सो दिस बेसिकली एनविस बिल्डिंग पार्टनर पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग ऑन हिमालयन इशूज तो ये इंफ्रा प्रोवाइड करेगा इंफ्रा डेवलप करेगा कैपेसिटीज डेवलप करेगा ताकि क्वालिटी रिसर्च स्टडीज हो सके रिगार्डिंग द हिमालयन इशूज ठीक है सो ये है और ऑल्सो प्रोमोटिंग द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रीजन देन अनदर इनिशिएटिव फॉर प्रोटेक्टिंग द हिमालयन इको सिस्टम इज सिक्योर हिमालयन अब सिक्योर हिमालय क्या है ये बेसिकली इंश्योर करता है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन जो कंजर्वेशन इन द हिमालयन इकोसिस्टम ये चार स्टेट्स में है हिमाचल जे एंड के उत्तराखंड और सिक्किम इन चार स्टेट्स से ही ये रिलेटेड है अब ये ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया था इन एसोसिएशन विद यूएनडीपी भी आपका प्री का एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है और अनदर थिंग ये सिर्फ चार स्टेट्स में है हिमालयन ज्यादा स्टेट्स में है इंडिया में लेकिन जो सिक्योर हिमालय है वो सिर्फ चार स्टेट्स में है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फाइनली हिमालयन दिवस करके भी है दैट इज ऑल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस टू जनरेट अवेयरनेस इट इज सेलिब्रेटेड ऑन नाइन सेप्टें और हज़ार दस से आ, कर रहे थे, लेकिन हम गवर्नमेंट उत्तराखंडली तो हमने चार चीजें की हैं इस लेक्चर में दो मिशन किए हैं एक हमने सिक्योर हिमालय इनिशियटिव किया है और एक हिमालय दिवस किया है तो ये जो चार चीजें हैं इनसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने हिमालयन इको सिस्टम को राइट दिस इज ऑल फोर टूडे थैंक यू